जी हाँ दोस्तों, आए दिनों सोशल मीडिया पर सोनाली बेंद्रे की खबरें आती रहती है, लेकिन अधिकांशतः सोशल मीडिया पर सोनाली की मौत की खबरें काफ़ी तेज़ी से फैलते रहती है, जो कि गलत न्यूज़ है। मैं आपको बता दूं कि सोनाली बेंद्रे अच्छी हैं और सोनाली बेंद्रे के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट्स की जानकारी आपको मिले। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे इन दिनों अपने मेटाटेस्टिक कैंसर के इलाज की ट्रीटमेंट कराने के लिए लंदन में हैं। सोनाली बेंद्रे की फ़ोटो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है। बॉलीवुड एक्टर सोनाली बेंद्रे की एक और तस्वीरें इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही है। सोनाली बेंद्रे इन दिनों अपने मेटास्टिक कैंसर के इलाज की ट्रीटमेंट कराने के लिए न्यूयॉर्क में है। सोनाली बेंद्रे कैंसर के इलाज के दौरान हर लम्हा सोशल मीडिया पर अपने फैंस से शेयर करते रहती है। कीमोथेरेपी की वजह से बोल्ड लुक होने पर उन्होंने बिग लगाकर तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, जिस पर उन्होंने एक इमोशनल मैसेज लिखा था। जब उन्होंने एक बोल्ड लुक को दिखाते हुए अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें साझा की, इसमें हाथ में उन्होंने एक बुक थामी है जिसे वह पढ़ना शुरू किया है, जिसका जिक्र हैशटैग के जरिए सोनाली लुक क्लब लिखा है। कैंसर से जूझ रही एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने उठाया ये बड़ा कदम, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो। सोनाली ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्स दिया, आज रेड अ लुक डे है और हैश SBC सोनाली लुक क्लब के लिए अगली बुक की घोषणा करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। रूस में एक ऐतिहासिक कथा है जिसे अ जेंटलमैन इन मैक्सिको कहा जाता है। इसे एट इमोस्टॉबलेस द्वारा लिखा गया है। इसकी शुरुआत बहुत दिलचस्प लग रही है और मैं अब जल्द ही इसे पढ़ने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये थी अपडेट सोनाली बेंद्रे के बारे में। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन को दबाइए ताकि हर मेरी अपडेट्स की जानकारी आपको मिले।